हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, आज मैं मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार और कितना सॉफ्ट बना है। इसी मेज़रमेंट के साथ आप बनाइए तो आपका मिल्क केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मिल्क केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 लीटर फुल फैट क्रीम दूध। आप इस मिल्क केक को 1 लीटर या 2 लीटर या फिर 3 लीटर से भी बना सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा, जो मेज़रमेंट मैंने बताया है उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। अभी गैस का फ्लेम हाई है। अब आप देखेंगे कि इसमें पहला उबाल आ गया है, तो गैस का फ्लेम कर देंगे हम मीडियम और इस दूध को लगातार या फिर बीच बीच में चलाते रहेंगे। इस दूध को हम तब तक चलाएंगे जब तक कि क्वांटिटी में आधा ना रह जाए। जैसे मैंने 1 लीटर दूध लिया है तो आधा लीटर हमारा दूध रह जाना चाहिए। तो हम इसी तरीके से इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध क्वांटिटी में आधा रह गया है। जब दूध क्वांटिटी में आधा रह जाए तब हमें इस दूध को फाड़ना है। तो दूध फाड़ने के लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ 1/4 टीस्पून लेमन जूस। अभी मैंने 1/4 टीस्पून ही डाला है। चलाते रहना है, देखते हैं कि दाने बनते हैं या नहीं। अगर दाने नहीं बनते हैं तो मैं इसमें लेमन जूस और ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्मॉल साइज़ का आधा नींबू का रस लिया था, वो मैंने पूरा ऐड कर दिया है। अब इसमें अच्छे से दाने बन गए हैं। लेमन जूस की जगह आप फिटकरी ले सकते हैं। फिटकरी को आप पीस लीजिए, 2 पिंच के करीब 1 लीटर दूध में आप डाल दीजिए तो तब भी दानेदार बन जाएगा। हलवाई जो है वो फिटकरी का ही यूज़ करते हैं। वैसे तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं, पर मैंने जब भी मिल्क केक बनाया है फिटकरी या फिर लेमन जूस से ही बनाया है, तो बहुत अच्छा बना है। तो यहाँ पर देखिए, दाने बहुत अच्छे से बन गए हैं। इसमें मैंने एक स्मॉल साइज का, मेरे पास लेमन था तो वो मैंने आधा नींबू का रस ऐड किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध में 150 ग्राम चीनी डालूंगी। चीनी थोड़ा थोड़ा करके ही हमें ऐड करनी है। जब चीनी आप थोड़ी डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी अच्छे से, तब आप दूसरा बैच डालिएगा। तो चीनी आपको थोड़ी थोड़ी करके ही मिल्क केक के अंदर डालनी है। और अगर आप कम चीनी खाते हैं तो कम चीनी का ही यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, गैस का फ्लेम मैं अपनी कुकिंग के अकॉर्डिंग कभी हाई कभी मीडियम कभी लो कर रही हूँ। तो आप जब मिल्क केक बनाएं तो अपने अनुसार गैस का फ्लेम हाई मीडियम लो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप चीनी डालें तो लगातार इसको चलाते भी रहें। अब हमें इसको लगातार चलाना है, तब तक चलाना है जब तक कि ये जो मिल्क केक का मिक्सचर है वो गाढ़ा ना हो जाए, चीनी अच्छे से पक ना जाए। और इस टाइम जो गैस का फ्लेम मैंने रखा है वो मीडियम रखा है। अब यहाँ पर देखिए, इस स्टेज पर आकर आपको देसी घी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप 25 ग्राम तक देसी घी इसमें ऐड कर सकते हैं। देसी घी ऐड करने से मिल्क केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो देसी घी भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। पहले मैंने 1 चम्मच डाला है, फिर मैं 2 चम्मच भी डाल दूँगी। और घी डालने के बाद भी इस मिल्क केक को लगातार चलाते रहना है। और अब मैं इसमें 2 चम्मच भी डाल दूँगी देसी घी की, और इसको लगातार चलाती रहूँगी। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, इसको बस आपको यही ध्यान रखना है, लगातार चलाते रहना है। तो आपका मिल्क केक बहुत ही दानेदार बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो अब आप देख सकते हैं, मिल्क केक चलाते चलाते मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि जो मिल्क केक है वो कढ़ाई से सेपरेट होने लगा है। तो समझिए, हमारा जो मिल्क केक है वो अब बिल्कुल तैयार है। तो गैस ऑफ कर देती हूँ और अपनी अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिल्क केक जमाने के लिए मैंने एक टिफ़िन लिया है स्टील का, इस तरीके से जो बंद हो जाए। और इस टिफ़िन को मैंने देसी घी से अंदर से ग्रीस कर लिया है।
अब जो मिल्क केक का मिक्सचर है वो गरम गरम ही हमें इस टिफ़िन के अंदर डालना है। तो यहाँ पर मैंने मिल्क केक टिफ़िन के अंदर डाल दिया है, इसको हाथों से इस तरीके से टैप करेंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए, एयर बबल्स निकल जाए। इसको मैं बंद कर दूँगी। अब हमें टॉवल लेना है, एक मैंने यहाँ पर एक बड़ा टॉवल लिया है और काफ़ी मोटा भी है, तो इसको मैंने पहले से डबल फोल्ड किया है और इस तरीके से मैं इसको टिफ़िन को रैप कर दूँगी। और अब हमें इसको 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 3 घंटे बाद आप देखेंगे इसमें एक ब्राउन कलर आ जाता है बहुत अच्छा सा, हीट की वजह से। तो वो हीट की वजह से ही आता है, इसलिए आप थोड़ा सा मोटा कपड़े में इसको रैप करें। अब 3 घंटे बाद देखिए आप जो ब्राउन कलर है वो हीट की वजह से ही आया है। टिफ़िन को हम उल्टा कर लेंगे, पीछे से टैप करेंगे और मिल्क केक को हम सीधा करके नाइफ से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सॉफ्ट बना है। आप चाहे जैसे पीसेस में कट करना चाहें वैसे पीसेस में आप इसको कट कर सकते हैं। बहुत ही दानेदार, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल बाजार जैसा मिल्क केक घर पर ही तैयार हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है और ये जो बीच में ब्राउन कलर आया है वो कितना बढ़िया लग रहा है। ये बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है और हीट की वजह से ये कलर आता है। देखिए मैं तोड़ कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो इस मिल्क केक को मैं एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी और कटे हुए बादाम से ऊपर से गार्निश कर दूँगी। आप चाहे तो पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा मिल्क केक, घर पर ही बनाइएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।